बोला ना क्यूट 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 क्यूट। अबे यार अंडी बंडी शंडी जो बोले शहनाज को क्यूट, दीपिका जैसी उसकी बंदी। इन माय माइंड आई वाज कमिटेड टू हिम। कितना मजा आ रहा है, कितना नर्वस हो। अरे भाई प्योर सोल है, हंस क्यों नहीं रहे, साथ में हंसो प्योर सोल के। ये बेकार की ऑकवर्ड सी हंसी, हर बात पर हंसना जरूरी है शहनाज। लोग फेक होते हैं। आयरनी देख रहे हो, शहनाज बोल रही है कि लोग फेक हो सकते हैं। अब ये तो वही बात हुई कि ओरी बोले कि लोग हार्ड वर्क नहीं करते, रणवीर सिंह किसी लौंडे को बोले कि तेरी बंदी लॉयल नहीं है, और एलविश यादव बोले कि भैया लिप सिंक पे रीले बनाने वाले लोग एक्चुअल सिंगर्स नहीं है। अरे शहनाज बुद्धि थोड़ी ज्यादा, आवाज BS2 गाड़ी चलाने वाले दिवाली पे होने वाले पॉल्यूशन को लेके कंप्लेंट नहीं करा करते। पकड़ लिया एक्टिंग और क्या, शहनाज ने इतना बढ़िया तो पकड़ा है एक्टिंग को। बिग बॉस से लेके अब तक मैं क्विट हूँ, मैं इंटोसेंट हूँ, मैं प्योर एंड पायस देसी घी का बड़ा वाला डब्बा हूँ, ये एक्टिंग नहीं तो और क्या है। इतना बढ़िया कैरेक्टर प्ले कर रही है पिछले 3-4 साल से शहनाज कि भैया मेहर करे अल्लाह ताला, अली बाबा की इस जूलिया रॉबर्ट्स ने अपना बढ़िया करियर एस्टेब्लिश कर लिया इसी कैरेक्टर एक्टिंग के चलते। ये नहीं कि कुछ भी बोल दो, अगर मुंह खुलता है तो कुछ भी बोल सकते हो भाई, ऐसा नहीं। और क्या, साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित शहनाज कुछ भी थोड़ी बोल देती है अपने मुंह से, बहुत सोच समझ के बोलती है शहनाज, देख लो। आपका कच्चा हमेशा गंदा क्यों हो जाता है, क्यों अच्छे क्यों आप? मैं उचांतनु, कोलोनियल हैंगओवर, हेवर्ड 5000 का हैंगओवर, गोविंदा का 90s का सुपरस्टार होने का हैंगओवर, और शहनाज गिल का बिग बॉस में पकड़ा हुआ क्विट एंड इंटोसेंट वाली पर्सनालिटी का हैंगओवर उतारे नहीं उतर सकता। क्यूट बनने की कोशिश करती है, सच में ब्रो मैं सच में क्यूट। आजकल ये पता लगाया जा सकता है कि KGF, पुष्पा और लियो जैसी फिल्मों को थिएटर में देखते वक्त नाचते हुए फैंस का दिमाग उनके कपाल में है या चूतड़ों में। ये पता लगाया जा सकता है कि अगर आज भी शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा छुप छुप के मिलते हैं तो कहां पर छुप छुप के मिलते हैं। और ये भी पता चल सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मेल बेस्ट फ्रेंड BFF नाइट आउट पे उसके साथ क्या कर रहा है। लेकिन ये कभी नहीं पता चल सकता कि शहनाज गिल की नार्सिसिस्ट और फेक पुट ऑन पर्सनैलिटी अगर जाएगी तो कब जाएगी। मेरे में सब कुछ है, हट, क्यूट बनने की कोशिश नहीं, मैं क्यूट हूँ। शहनाज गिल को लगी इसी दिमागी गुमचोट का इलाज करने की मैंने कोशिश करी थी Part 1 में, लेकिन एमिग्डिला में लगी ये गुमचोट इतनी ज्यादा संगीन है कि एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। और अगर स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग और डायरेक्शन के बिना Gadar 2 बन के हिट हो सकती है तो शहनाज गिल रोस्ट Part 2 क्यों ना बने, ऑनेस्टली सेइंग में। और हाँ प्योर सोल के दीवानों, कहाँ बड़ी जल्दी हो रही है रोस्टिंग देखने की, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में # बसकर शहनाज छोड़ते जाना। कौन सी कैफ हो आप? पंजाब की कैटरीना। हाँ शहनाज बिल्कुल सही कह रही है, ये है पंजाब की कैटरीना कैफ। मैं बताता हूँ कैसे, इन मोहतरमा की एक्टिंग की ट्रेन कब से निकली हुई है लेकिन आज तक अच्छी एक्टिंग करने के स्टेशन पे नहीं पहुंची। इनके बारे में सुना था कि इनकी एक्टिंग बैलगाड़ी पर है, पर इनकी रीसेंट फिल्मों में इनकी एक्टिंग देख के ये बात कंफर्म हो गई है कि इनकी एक्टिंग बैलगाड़ी पे नहीं गधा गाड़ी पर है। इनको इंडस्ट्री में 15 साल हो चुके हैं, उन 15 साल में फरदीन खान ने कोकेन करके कोकेन छोड़ दिया, मिथुन चक्रवर्ती का पहला बेटा लॉन्च होकर फ्लॉप हो गया और दूसरा बेटा भी लॉन्च हो गया, पर अब तक इनकी हिंदी बोलने की गाड़ी में 4 पंचर हैं। इनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं, जिस दौरान इन्होंने काफी सारी सिंपैथी बटोरी और क्विट और इंटोसेंट एक्ट करके काफी सारे बढ़िया कनेक्शंस भी बना लिए बॉलीवुड में। लेकिन अभी भी इनकी हिंदी बोलने की गाड़ी CNG पर ही रहती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो काफी प्योर एंड पायस सोल हैं। बूम जैसी पिक्चर करने के बाद इनका ऑलमोस्ट खत्म एक्टिंग करियर रीएस्टैब्लिश कराया सलमान भाई टैलेंटलेस बट खूबसूरत महिला रोजगार योजना ने। इनका एक्टिंग करियर जो इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था उसको भी एस्टैब्लिश करवाया सलमान भाई टैलेंटलेस बट खूबसूरत महिला रोजगार योजना ने। तो प्योर एंड पायस शहनाज गिल 100% प्योर एंड पायस लैब टेस्टेड कैटरीना कैफ है, लेकिन तुम हेटर्स ये बात बिलीव नहीं करोगे। काम करना है जो अच्छा है, ओके, क्वालिटी वर्क करना है, क्वालिटी वर्क करना है। अरे सोमवती, अगर भाई की टट्टी भाई का पाद और थैंक यू फॉर कमिंग जैसी पिक्चर है क्वालिटी काम है ना, तो तुमने भी बॉलीवुड में अपना करियर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ पे विक्टिम और सिंपैथी कार्ड खेल के नहीं बनाया। कोई बोलता है पंजाब की कैटरीना कैफ, भाई शहनाज गिल भी बोल दो। हाँ अगर अब शहनाज को कोई पंजाब की कैटरीना कैफ वाले टैग से रेफर कर दे तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो वाला टैग तो उसने पहले यूज किया था अपने आप को बोल बोलकर दुनिया
दुनिया को ये बता बता कर कि मैं कटरीना कैफ हूँ पंजाब की, ताकि मुझे सोशल मीडिया पे आईबॉल्स मिले। फिर इसी टैग को यूज करके सलमान भाई की अटेंशन ली गई और इवेंचुअली सलमान भाई की अटेंशन के साथ क्या आया, बिग बॉस की एंट्री का वीजा। पूरे हिंदुस्तान की शहनाज गिल। तो भैया हेटर्स को मैं पहले ही बता दूं, प्योर एंड पायस सोल शहनाज ने अपना करियर कटरीना के नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। ओके क्या मिला, कौन सा बिल पास हुआ? मुझे सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, मुझे इधर उधर ज्यादा बात ही नहीं करनी, मुझे पता ही नहीं यार। और क्या शहनाज, जीके और करंट अफेयर्स के बारे में तो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जीके करंट अफेयर्स और इंटेलिजेंस से तो तुमने इतना सेफ एंड साउंड डिस्टेंस बना के रखना चाहिए जितना सेफ एंड साउंड डिस्टेंस बना के रखते हैं सलमान भाई अपनी असली पत्नी यानी उलिया वंटोर से। क्योंकि शहनाज, बाय गॉड इन द जीसस क्राइस्ट ऑफ द अल्लाह इन द राम मंदिर की कसम, अगर तुमने एक भी जीके के क्वेश्चन का असली आंसर दे दिया और इंटेलिजेंस की बात कर दी तो तुम्हारी 15 से 21 साल की छपरी कुंजी छाप फैंस एकदम परेशान हो जाएंगी और उनका दिल टूट जाएगा कि यार अब हमें भी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, हमने तो शहनाज दीदी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोगों ने मेरे जैसी पर्सनालिटी कभी देखी नहीं, आई एम सो यूनिक। हाँ तो खुश मत हो, देखनी भी नहीं है तेरी जैसी पर्सनालिटी बहन, क्योंकि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देख के बार बार चौंधा होने का शौक लोगों को नहीं है। अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है तो सिर्फ बोलते नहीं जाना, सुनना भी पड़ता है। लो भाई अब शहनाज, स्कॉर्सेजी, टैरेंटिनो, गिल भी ज्ञान देंगी एक्टिंग पर। अरे सुषमा जेठानी, तुमने मुश्किल से मुश्किल सलमान भाई की सिफारिश पे दो बॉलीवुड फिल्में, कटरीना कैफ के नाम पे राइड करके एक धीपीटी का रियलिटी शो और 3 से 4 फटी ढोलक पे स्टील की चम्मच जैसे बजने वाले गाने किए हैं। ये जो रोल है ये मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं था निभाने के लिए। ललिता जी यहाँ पर अपने थैंक यू फॉर कमिंग के रोल को बता रही हैं कि वो इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था निभाना और वो एक ऐसा रोल था जिस रोल में इनके मुश्किल से मुश्किल 6 से 8 डायलॉग थे, कपड़ों को डिवाइडेड बाय 2 करके पूरी पिक्चर में घूमना था और पूरी की पूरी पिक्चर में इनका था 3 से 4 मिनट का रोल। तो बताओ मालती, और कितना चैलेंजिंग रहा है तुम्हारी एक्टिंग की जर्नी, बताओ। इवन रिया कपूर के प्रोडक्शन के साथ काम करना, गेव मी मतलब इतना बड़ा चांस है। अरे सुशीला, पहले तुम अपनी गलत फहमी के शेंग्रीला होटल से बाहर निकलो, क्योंकि रिया कपूर ने तुम्हारे को थैंक यू फॉर कमिंग में रोल इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम्हारे को इस लूज इलास्टिक वाली वीआईपी कच्ची जैसी पिक्चर में रोल इसलिए दिया गया क्योंकि उनको लगा कि पहले ही पिक्चर गुड़गोबर होने वाली है तो इसको ज्यादा से ज्यादा आईबॉल्स कैसे मिलेंगी। तो शहनाज गिल जैसी एक इन्फ्लुएंसर को उठा लो जिनके रैबिड और टॉक्सिक फैन क्लब्स हैं, शायद वो लोग ही इस कबाड़ को देखने आ जाए। जो लोग बोलते हैं ना इंटरनेट पे कि हम इसके फैन हैं, हम इसके फैन हैं, 24 घंटे मेरे लिए लगे रहते हैं, अब आज मुझे देखने हैं वो कौन से फैन हैं। मेरे फैन क्लब पिक्चर देखने आएंगे। अरे यार गोमती, क्या तुम दिमाग से शेयर्ड ऑटो पे हो, मैं तुम्हारे को जमा गुड़ा समझा देता हूँ। पूरे 45 करोड़ रुपए में आग लगाई गई इस चप्पल के नीचे चिपकी गली के आवारा कुत्ते की टट्टी जैसी पिक्चर यानी थैंक यू फॉर कमिंग को बनाने के लिए, और पिक्चर ने कितने कमाए, मात्र 7 से 8 करोड़ रुपए। अब पिक्चर ने इतनी कम कमाई क्यों करी, वो इसलिए क्योंकि भैया इस पिक्चर के मेकर्स को ये लगा हमने शहनाज को पिक्चर में ले लिया है, इसकी इन्फ्लुएंस से इसके रैबिड और टॉक्सिक फैन क्लब्स जो हजारों की तादाद में इंटरनेट पे हैं वो आएंगे भागे भागे अपने सर के ऊपर अपने पैर रख के चप्पले सजा के, क्यों शहनाज दीदी की पिक्चर आ गई, शहनाज दीदी की पिक्चर आ गई, सब जाके देखेंगे। लेकिन असलियत में मोस्ट ऑफ दोज हैंडल्स आर फेक एंड एक्चुअली हैव बीन क्रिएटेड बाय शहनाज़'स ओन पीआर टीम टू डायरेक्ट हेट टुवर्ड्स दोज पीपल जो इसको कॉल आउट करते हैं इसके फेक एटीट्यूड के लिए, और जो हुआ था मेरी पिछली वीडियो पे भी और होगा अब इस वीडियो पर भी। आगे बढ़ने से पहले ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे इस हफ्ते में बैठा अर्पित बाला के साथ, उसका टीजर देखो, और अगर पॉडकास्ट नहीं देखा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो और पॉडकास्ट देखो वहां जाके। कमेंट आ रहे हैं वही वाले की शो निप्पल राइट निप्पल, ये होती है वर्चुअल सिग्नलिंग मैम, आपके वर्चुअल्स दिख रहे हैं मार्च का YouTube की गाइडलाइंस, मतलब उसको मैनुअल रिव्यू करने में भी ना आदमी को लगता हो जो मैं इस पे क्या लगाऊं भाई, क्या लगाऊं क्या इस पे भाई मैं, दैट 16 ईयर ओल्ड इनसाइड ऑफ मी इट साउंड्स रॉन्ग, मतलब द 16 ईयर ओल्ड अर्पित बाला इनसाइड ऑफ मी डैम। जब फिल्म देख रहे थे इतनी ऊंची ऊंची लाफ्टर आ रहा था मन का, लोग जोर जोर से लाफ्टर कर रहे थे थिएटर में थैंक यू फॉर कमिंग को देख के। अरे अल्लाह ताला का कहर भर पे तेरे पे झूठी मंदोदरी, अगर तू एक बारी को ये भी बोल देती ना विमला कि तेरे अंदर कोई टैलेंट है तो मैं वो भी झूठ मान लेता, लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग को देख के लोग लाफ्टर कर रहे थे, थैंक यू फॉर कमिंग को देख के सिर्फ एक ही रिएक्शन था लोगों का और वो ये है। चीज को नहीं पसंद कर रहे इट मींस
ये अच्छी चीज है। अच्छा तो अब मुझे पता चला कि इसका वो सरकारी बैतुल खाने जैसा चार चौखट चार मीनार चूतिया शो जो इसका यूट्यूब पर आता है वो अभी तक चल कैसे रहा है। लोग उस शो को एक्चुअली में ट्रोल करते हैं और उस शो को गाली बकते हैं कि इतना क्रिंज शो है, लेकिन इसको क्या लगता है इसके खुद के शब्दों में कि भैया अगर लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं तो वो चीज तो अच्छी ही होगी। प्योर एंड पायस है ना, दिमाग भी बहुत ज्यादा होगा प्योर एंड पायस है तो। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूँ। स्मार्ट तो तुम हो समीरा, क्योंकि तुमने इंडस्ट्री में एंट्री करी थी मेट्रो टोकन पर। अब तुमने अपने क्यूट फेक पर्सोना और सिंपथी का कार्ड खेल खेल कर उस टोकन को कन्वर्ट करा लिया है एतिहाद की बिजनेस क्लास की टिकट में और बढ़िया वेल सेटल्ड करियर अब तुम्हारा चल रहा है, तो स्मार्ट तो तुम हो। देखो इतने इंटरव्यूज देखे मैंने इन मोहतरमा के और एक इंटरव्यू में भैया तरस गया मैं, जल बिन मछली हो गया मैं कि मेरे को कहीं तो ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए शहनाज के मुंह से कि जिसकी थोड़ी सी तो सेंस बने। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा है, बेकार में हंसे जा रही है। अपने शो के अंदर बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी आता है, पुख्ता से पुख्ता कलाकार आता है और उससे भी बेकार में बेफजूल के क्वेश्चन, ना कोई सर ना पैर। शाहिद कपूर वाले इंटरव्यू में तो शाहिद को बस ये था कि यार मैं सलमान भाई का ना होता ना हाथ इसके सर के ऊपर तो मैं ना तो घूसम पिट्टी कर देनी। एग्जाम्पल है शहनाज एक कि तुम एक फेक पर्सोना को कितने लंबे टाइम तक कैरी करके इंडस्ट्री को कितना डीपली पेनिट्रेट कर सकते हो। तो सुन क्या रहे हो इतने ध्यान से, तुम्हारी पर्सनालिटी तो बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं है, ना ही मेरी है, मैं तो शहनाज से सीख लिया, मैं तो कुछ फेक बन जाऊंगा, तुम भी अपना देख लो। पर भैया सही है, अगर अगली की दुकान चल रही है तो चलने दो। अब क्या होगा, अब जब ये वीडियो लाइव होगी तो कमेंट सेक्शन में चार छपरी लड़कियां आएंगी, इकट्ठी होकर चटाई बिछाएंगी और आलू छीलने शुरू कर देंगी और मेरे को बोलेंगी अगर शहनाज है तो तुम भी उनके नाम पर व्यूज ले रहे हो और फिर इमोजी होंगी तो भैया सही है, तुम छीलो आलू मैं बनाऊंगा उनके पोटैटो चिप्स। तब तक के लिए ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मामा मिया लज़ान्या पप्पी बाय बाय।